अब्बास सुल्तानपुर की जहां इस डकैती कांड में अब तक 11 आरोपियों पर एक्शन हो चुका है, 3 फरार हैं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर यूपी की सियासत में भी उबाल है, पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हत्या, हिंसा, रक्तपात का न्याय से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश ने भी मंगेश के बाद अनुज के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, एनकाउंटर में गोली अनुज की कनपट्टी के आर पार हो गई। बैन का आरोप है कि अनुज राजनीति का शिकार हुआ और उसकी हत्या की गई। आरोपी अनुज सिंह ढेर किया गया, कनपट्टी के आरपार गोली हुई थी। अब परिवार का आरोप है कि यह फर्जी है या सही है, क्या आखिरकार क्यों इस तरीके की हत्या होती है, क्या यह एनकाउंटर सच है या फेक है, इसलिए भी अब जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच की बात फिलहाल यहां कही जा रही है परिवार वालों की तरफ से। उनके पिता भी सामने आए, उनकी बहन भी सामने आई और कह रही है कि राजनीति के चलते भाई की हत्या हुई है। अब जाति पर भी सियासत है, यादव के बाद अब राजपूत। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं उन्नाव से। सिमर, जिस तरह परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि 30-35 दिन पर केस होते हैं उनका एनकाउंटर नहीं होता, 1-2 केस जिस पर है उसका एनकाउंटर हो जाता है, और इस पर जाति के खेल की भी बात हो रही है कि अब तो जाति को लेकर जिस तरह ये रण छिड़ा हुआ था उसी के चलते ये जान गई। बिल्कुल अर्पिता, बीते कई दिनों में जिस तरीके से एसटीएफ ने अपने ऑपरेशंस करे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, उससे में सवाल उठना लाजमी है। अगर इस केस की बात करी जाए जिसमें कल अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में ढेर किया गया, तो पिता भी सवाल उठा रहे हैं कि जिसके 37 मुकदमे हैं, 40 मुकदमे हैं, उसको एनकाउंटर नहीं किया गया और उनका बेटा जिसपे 1 मुकदमा है उसको एनकाउंटर में मार गिराया गया। उनका ये भी कहना था कि एक ही मुकदमा था, एक और सरकार को मौका देना चाहिए था सुधरने का, ये हो सकता था। विनय सिंह की बात करी, जो इस पूरे मामले में गैंग लीडर बनाया गया है, उसके ऊपर 37 मुकदमे हैं, जिसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और जो सलाखों के पीछे है, उसी का रेफरेंस दे के लगातार परिवार सवाल उठा रहा है कि 40-40 मुकदमे वाले लोगों को छोड़ दिया जा रहा है लेकिन हमारा बेटा जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले कई दिनों में समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पे हमलावर हुई है, सवाल उठाए हैं कि जाति देके एनकाउंटर किया जा रहा है, वैसे में एसटीएफ भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। हमने देखा कि बीते दिनों 2 एडीजी और डीजीपी लेवल ऑफिसर्स ने आके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सफाई दी। इस मामले में एनकाउंटर के बाद एसटीएफ की तरफ से कोई एक मीडिया बाइट नहीं आई है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया कि ये घटना हुई और एफआईआर में जिक्र किया जाता है कि कैसे जब एसटीएफ पकड़ने जाती है तो जवाबी फायरिंग में उनको फायर करना पड़ता है। तो ये एसटीएफ का स्टैंड जो है वो मेंटेन है लेकिन राजनीति इस पे जमकर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव पे सवाल उठा रही है, अखिलेश यादव सरकार पे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्यों एसटीएफ लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस कर रही है जिससे बेगुनाह लोग अगर कह लें या फिर जो ऐसे लोग जिनको न्याय प्रक्रिया से होके जाना चाहिए उनको मौके पर क्यों मार दिया जा रहा है। अर्पिता ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वही उन्नाव के एसपी ने बताया कि कैसे क्या हुआ, आरोपी अनुज सिंह का एनकाउंटर किस तरीके से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, सुनिए। 24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम में बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, वह दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सरनोक धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1,00,000 का इनामी अपराधी था, वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। समाजवादी पार्टी कह रही है कि एनकाउंटर के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो, कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया,
जिस जात की संरक्षण की बात हो रही उसी जात का मार दिया। एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया।